नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। दोपहर की खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और मैं हूं रेखा मिश्रा। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे शहीद हुए संतोष गोप की। संतोष गोप का पार्थिव शरीर उनके गांव गुमला पहुंचा, जहां सभी की आंखें उनके पार्थिव शरीर को देखकर नम हो गई। सभी ने संतोष गोप अमर रहे के नारे लगाए। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में संतोष गोप शहीद हो गए थे। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के केंद्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस वार्ता कर डबल इंजन की सरकार को बेहद उम्दा करार दिया और स्पष्ट किया कि यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड विकास की ओर अग्रसर है, यहां की सरकार अच्छा काम कर रही है। साहब मुंडा जी के बलिदान की धरती और बाबा बैरनाथ के धाम की धरती झारखंड में आना सदैव ही प्रेरणा और श्रद्धा का हेतु रहता है, परंतु यह हेतु तब और अधिक सुखद और संतोषप्रद होने लगता है जब यहां परिवर्तन और विकास का एक नया आयाम देखने को मिलता है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने दिल्ली में समाचार पत्रों में पढ़ा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो विकास कार्यक्रम है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें 101 देशों के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बारे में गरीबी उन्मूलन में, गरीबी रेखा से लोगों को ऊपर उठाने की दिशा में किए गए कार्यों का तुलनात्मक विवेचन होता है, कंपैरेटिव स्टडी होती है, और उसमें पाया गया कि भारत में 27 करोड़ से अधिक लोग, 30 करोड़ से अधिक लोग बाहर निकले, परंतु ज्यादा सुखद विषय यह था कि माना गया कि मल्टी पॉइंट पॉवर्टी इंडिकेटर, यानी जो बहुआयामी निर्धनता का सूचकांक है, किसी न किसी प्रकार से कोई निर्धनता में फंसा है, ऐसे लोगों को बाहर निकालने में झारखंड सबसे आगे और सबसे तेज गति से आगे बढ़ता हुआ आया। ये जो मल्टी पॉइंट पॉवर्टी से प्रभावित लोगों की संख्या 74% से अधिक थी, वो अब घटकर 45% के आसपास आ गई। और ये कैसे संभव हुआ? वो तब संभव हुआ जब हमारी यहां प्रदेश में श्री रघुवर दास जी के नेतृत्व की सरकार और केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के डबल इंजन से वह झारखंड जो प्राकृतिक संपदा की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध परंतु वांछित विकास से लंबे समय तक वंचित रहा था, उसको दोनों का सहयोग मिला। और इसमें झारखंड की जनता को भी मैं बहुत साधुवाद देना चाहूंगा, झारखंड के गठन के बाद से अक्सर यहां मजबूत बहुमत की सरकार न होने के कारण वह विकास का कार्य करना सहज नहीं था, चाहे हमारी सरकारें भी रही हो। इस बार स्पष्ट बहुमत की सरकार नहीं, मजबूत सरकार नहीं, केंद्र में भी सरकार थी और दोनों में मिलकर परिवर्तन किया। बाकी सारे आंकड़े आपको पता होंगे, मैं एक तो चीज का ही उल्लेख करना चाहता हूं। जब हमारी वर्तमान सरकार आई तो कृषि विकास की दर निगेटिव में थी, नकारात्मक में थी, और वह अब 14% से अधिक है। हमारी सरकार ने आकर कई ऐसे कार्य किए जो अक्सर यहां व्यक्ति के आम जीवन को छूने में सबसे अधिक संवेदनशील थे। एक गरीब सामान्य औसत व्यक्ति सर्वाधिक चिंतित किस चीज के लिए रहता है? स्वास्थ्य। कभी तबियत खराब हो गई तो क्या करेंगे? तो आपने देखा यहां की योजना हो अथवा केंद्र की आयुष्मान योजना, उसमें लाखों परिवारों को वह अवसर मिला, चाहे महिलाओं को 1 रुपए में 50 लाख रुपए तक की कीमत की रजिस्ट्री का विषय हो, अथवा झारखंड ऐसा पहला प्रदेश जिसने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर ही नहीं चूल्हा भी मुफ्त दिया और दूसरा सिलेंडर भी उन्होंने मुफ्त उपलब्ध कराने का प्रयास किया। और जब 2 सिलेंडर लगते हैं
तो इंजन की पावर डबल हो जाती है और डबल इंजन से विकास की गति भी दुगनी हो जाती है और वह देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी राजनीति में मूल्य और शुचिता के की प्रामाणिकता की पक्षधर है। हम एक बात बहुत स्पष्टता और ईमानदारी से कहते हैं, भारत की राजनीति में विगत 3 दशकों में जो एक अवनति देखने को मिली थी, राजनीति में भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को प्रायोजित करके, महिमा मंडित करके स्थापित करने का कार्य अनेक दलों ने किया, भाजपा ने यह कार्य कभी नहीं किया। और जब कहीं पर हमारी सरकार में किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकारी लगी तो प्रभावी और कठोर कार्रवाई, किसी के नेता के परिवार के किसी व्यक्ति को उस क्षेत्र में प्रवेश ही नहीं दिया जाएगा, बहन तो नहीं लग सकता। वंश और वंशवाद में क्या अंतर है? वंशवाद जानते क्या होता है? आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अमित शाह जी हैं, इससे पहले कौन था? राजनाथ सिंह जी थे। उससे पहले कौन था? नितिन गडकरी जी थे। उससे पहले अडवाणी जी, वेंकैया जी वगैरह वगैरह। इस पूरे 20 साल में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? सोनिया जी। आज भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह जी, आप में से कोई बता सकता 2030 में भाजपा अध्यक्ष कौन होगा? नहीं। मगर आप दावे के साथ कह सकते हैं कि 2030 में कांग्रेस का अध्यक्ष राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी अथवा उनके परिवार का होगा। वंशवाद इसे कहते हैं कि एक पार्टी का अध्यक्ष त्यागपत्र देता है, उसके बाद लंबी मैराथन बैठक चलती है और उसके बाद क्या होता है, एक हिंदी कहावत ना, अंधा बाटे रेवड़ी, कुनकुनी अपने घूम फिर के वहीं आ जाए। मैं एक बात ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और कुछ हद तक चाहे हमारे घनघोर राजनीतिक विरोधी सही वामपंथियों को छोड़कर परिवारवाद का प्रभाव कहीं ना कहीं ज्यादातर राजनीतिक दलों को के ऊपर पड़ा है। परंतु यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस पूरे के पूरे विचार की, इस पूरे के पूरे दुर्विचार की गंगोत्री कांग्रेस पार्टी। वहीं स्वामी दिव्य ज्ञान सौम्य मिश्र पर तृणमूल कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोप पर आज स्वामी जी ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान स्वामी जी ने तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। स्वामी जी ने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। एक दिन हमारे पास इसी तरह सड़क पर चलते हुए मिले, बोले हमारे कार्यक्रम में आइएगा, तो हम बोले ठीक है आ जाएंगे, हम आ जाएंगे। तो मेरे को बाद में पता चला एक राजनीतिक कार्यक्रम है, राजनीतिक कार्यक्रम है तो उसमें मैं कैसे जा सकता हूँ। मैं कभी भाजपा के कार्यक्रम में, संजय सेठ के प्रचार में, जीतू चरण राम के प्रचार में कभी मेरा आप लोग कहीं देखे हैं बताइए तो? मैं किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन कर सकता हूँ लेकिन मैं उसके मंच पर कभी नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे को वोट देना है तो मैं अपने पसंद के नेताओं का को वोट दूंगा। अब वो नरेंद्र भाई मोदी के विरुद्ध बोलते हैं कि मैं नरेंद्र भाई मोदी के विरुद्ध में बोलूं, मैं मर जाऊंगा लेकिन नरेंद्र भाई मोदी के विरुद्ध में नहीं बोलूंगा, क्योंकि उनके जैसा काम, ये तो करोड़ों भारतीयों का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री अपने देश में मिला। और उसको ये ममता बनर्जी जैसा, जो लोग दुर्गा पूजा नहीं होने देती थी, सरस्वती पूजा नहीं होने देती थी, जब जनता ने वहाँ सबक सिखाया तब थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ। अब झारखंड सरकार ने स्वतः संज्ञान लिया है, 2 बॉडीगार्ड हमको दिया है। हम मुख्यमंत्री के इस गुण से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित थे कि देखिए हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता पर भी प्रशासन और मुख्यमंत्री की नज़र है। मैं बहुत आभारी हूँ मुख्यमंत्री का, मैं आश्चर्यचकित हूँ। मैं तो स्वयं सेवक था, मैं तो संत था, मेरे को बॉडीगार्ड की क्या हो सकता था, कोई मार देता तो मार देता। प्रशासन ने स्वयं संज्ञान लिया है, हमको लगता है हम तो धन्यवाद, चूंकि प्रशासन के मुखिया मुख्यमंत्री उन्हीं को मैं धन्यवाद दूंगा। आगे बढ़ेंगे। मोदी अगेन पीएम युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विशाल सिन्हा ने भाजपा से टुंडी विधानसभा उम्मीदवारी पर दावा शीर्ष नेतृत्व के पास रखा। वहीं इसके प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर बालेश्वर कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पष्ट किया कि अगर पार्टी नेतृत्व विशाल कुमार सिन्हा को टुंडी से प्रत्याशी बनाती है तो यह एक ऐतिहासिक जीत होगी। मौके पर रामदुलार राय, जगदीश जी, राहुल राउत, सुभाष कुमार, गुड्डू कुमार, केशव शर्मा आदि मौजूद थे।
वहीं मुर्शिदाबाद में हुई आरएसएस कार्यकर्ता बंधु मंडल एवं उनके परिवार सहित हत्या के खिलाफ आज बजरंग दल के लोगों ने मोटरसाइकिल निकालकर विरोध जताया। वहीं विरोध कर रहे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह तो झांकी है, लड़ाई अभी बाकी है। बंगाल में आए दिन हिंदुओं की हत्या हो रही है, आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, उसके खिलाफ हम बजरंग दल के सारे सदस्य पूरे जिला महानगर ग्रामीण दोनों मिलाकर आज प्रदर्शन है। ये अभी ट्रेलर है, अभी झांकी आ रही है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्लास्टिक मुक्त भारत की। आपको बता दें कि पूरे देश में प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार अभियान चला रही है। ऐसे में झारखंड को प्लास्टिक मुक्त राज्य कैसे बनाया जाए, इसको लेकर माही केयर फाउंडेशन की ओर से मासिक धर्म जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में केवल लगातार 20% महिलाएं ही सैनिटरी पैड का प्रयोग करती हैं। इसके समाधान के लिए माही केयर महिलाओं के माध्यम से घर घर जागरूकता अभियान चलाकर प्रयोग के बारे में महिलाओं को सजग करती है। इस कार्यक्रम में नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने सभी महिलाओं को सर्टिफिकेट और चेक देकर पुरस्कृत किया और अपने अपने क्षेत्र में प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाने के लिए और मासिक धर्म जागरूकता अभियान की शुरुआत करने के लिए पुरस्कृत किया। अभी आप थैला लेकर के नहीं जाते हैं, सब्जी वाले से कहते हैं कि भाई हमको आधा किलो भिंडी दो और प्लास्टिक में दो। हम खुद डिमांड करते हैं, हमें स्वभाव में क्या लाना है, स्वभाव में ये लाना है कि यदि मजबूरी में हम उपयोग कर भी रहे हैं तो उसको जहां तहां नहीं फेंके। जैसे आपने अभी कहा जो पैड की चर्चा की आपने, बहुत अच्छा बात आपने कहा, तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी पैड में भी जैसे ये दिखा रहा है, ये देखिए कागज का पैड है ना जी, अंदर भी बेटर पेपर लगा हुआ है। वही मैं कह रहा हूं, तो कागज तो गल जाता है लेकिन पैड नहीं गलता है। इसलिए जागरूकता फैलाने का काम हमारी माता और बहनें कर रही हैं और घर घर में कर रही है, इसलिए उन्हें सम्मानित किया गया और सम्मान स्वरूप कुछ राशि दी गई है। हम रिक्वेस्ट भी कई जगह डाले हुए हैं गवर्नमेंट के पास भी, यहाँ तक कि मोदी जी से रिक्वेस्ट का जवाब भी आ चुका है और हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि इतनी सारी महिलाओं के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और हमारा टारगेट 31 दिसंबर तक 1,00,000 महिलाओं को रोजगार देने का, और ये पक्का है कि हो जाएगा। आप यहीं बैठे बैठे देखिए, अभी करीब 12-13 महिलाएं अभी तुरंत ज्वाइन की हैं सिर्फ झारखंड में 1,00,000 महिलाओं को रोजगार देने का टारगेट, जिसमें कि हम लोगों ने सैनिटरी पैड जो प्लास्टिक फ्री है उसके उपयोग के बारे में हम लोग यहाँ पे बताए। हम लोग शुरुआत में कोशिश कर रहे हैं कि जो गरीब है उन लोगों को 2-3 पैड ऐसे ही फ्री में यूज़ करने के पर्पज़ से दे रहे हैं, वो यूज़ करें। यूज करने के बाद वो पहले तो यूज़ करना सीखे, यूज करना जानेंगी तभी वो लोग फिर हम लोगों से लेगी जो भी चीज़ को, तो इस वजह से दे रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नज़र बनाए रखने के लिए सनमार्ग लाइव सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।